तो आज आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है, जो कि मुझे यूजुअली सुनने को मिलता है कि सर ढोलक से आवाज़ नहीं निकलती, क्या करें। तो आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि ढोलक से आवाज़ कैसे निकालनी है। बट सबसे पहले तो कि हमें आवाज़ की तरफ कब ध्यान देना है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। एंड देन उसके बाद आवाज़ निकालने की टेक्निक क्या है, और फिर लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जियो की आपकी लाउड साउंड देती हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स, मान लो आप कीर्तन भजन में बजा रहे हैं, कहीं पे लेडी संगीत में बजा रहे हैं, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपको लाउड ढोलक चाहिए, तो कुछ ऐसे पैटर्न्स बताऊंगा जो कि लाउड निकलते हैं बिना जोर लगाए। ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले गाइस देखिए ज़रा, ये ढोलक हम लोगों ने अभी रिसेंटली बनाई है, यूएस भेजा है इस ढोलक को। मैं मिस्टर शैलिन को, मेरे स्टूडेंट हैं, उन्हें ये सेकंड ढोलक जा रही है, तो वो उन्हें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो बस चाहते हैं रेगुलरली इंस्ट्रूमेंट्स को मंगवाना। तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की ढोलक है, किसी को भी इस तरह के क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं, ढोलक को सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो आप पर्सनल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफकोर्स उसके लिए व्हाट्सएप पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए जी, सबसे पहले तो मुझे यूजुअली सुनने को मिलता है, सर ढोलक से साउंड नहीं आ रही, क्या करें। पहली चीज़ तो देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो साउंड तो आप भूल जाइए, अभी अभी टेक्निक सीखनी है। बट सबसे पहली चीज़, ढोलक से साउंड अगर नहीं निकाल पा रहे, तो सबसे पहले तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपकी ढोलक थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है। देखिए, मान लीजिए मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, व्हाट इफ कि अगर मेरी गाड़ी ही सही नहीं है, अच्छा उसमें इंजन नहीं है, अच्छी पावर नहीं है, तो फिर मेरी अच्छी ड्राइविंग का क्या फ़ायदा, मैं गाड़ी नहीं भगा पाऊंगा, राइट। सो सिमिलरली, हमारी ढोलक अगर बढ़िया क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की है, तो वो आवाज़ भी फिर अच्छी ही देगी। तो हम जैसा भी बजाते हैं, वो आवाज़ बहुत अच्छी आएगी, लाउड आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी ढोलक ट्यून्ड होनी चाहिए, प्रॉपर सुर में होनी चाहिए। जैसे ये ढोलक देखिए अभी जी शार्प पे है, और जब सुर में होता है इंस्ट्रूमेंट तो ऑटोमेटिकली लाउड साउंड भी आती है और अच्छी साउंड भी आती है। तो पहले ये दो पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बट अगर ढोलक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है या फिर ट्यून्ड नहीं है वो, तो फिर वो आवाज़ नहीं देगी, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं आगे, देखिए सबसे पहले अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ट्यून्ड है, सब सही है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है, बजाने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो देखिए एक चीज़, पहला पॉइंट बता रहा हूँ, ये तो कभी माइंड से मत निकालिएगा, ढोलक बजाते हुए कभी जोर नहीं लगाते। आपने देखा होगा कुछ ढोलक प्लेयर जब बजाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, उन्हें थक जाते हैं, हाँफ रहे होते हैं। नो, दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल म्यूट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आप किसी भी अच्छे ढोलक प्लेयर से आप पूछिएगा, दिस इंस्ट्रूमेंट इज अ म्यूट इंस्ट्रूमेंट, ये सॉफ्ट बजता है, ये ऐसा साउंड करना चाहिए, ऐसा साउंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जोर कभी नहीं लगाते, आवाज निकालने के लिए जोर नहीं लगाना है, आवाज निकालने की टेक्निक है जो आगे बताऊंगा, जोर कभी नहीं लगाना। जोर लगाओगे आप 5 मिनट में थक जाओगे और बस हो जाएगी आपकी। दूसरी चीज, हाथ अब है तो ह्यूमन हैंड ही है, आपका हाथ भी हर्ट होगा जोर लगाएंगे अगर, तो ये जोर का काम नहीं है, टेक्निक का काम है। पहली चीज, जोर कभी नहीं लगाना। बढ़ते हैं आगे, अब आप अगर ढोलक बजा रहे हैं, सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो सबसे पहले टेक्निक पे फोकस कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको ये पैटर्न सिखाया, तो आपने इसकी टेक्निक पे ध्यान देना है, ना ही आपको स्पीड से मतलब है, ना ही आपको साउंड से मतलब है। तो आप बजाएंगे स्लो बिल्कुल, और अपनी टेक्निक पे फोकस करेंगे, ठीक है। टेक्निक पे भी आपने थोड़ा काम कर लिया, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही, क्या करें। देखिए, आवाज़ निकालने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे मैंने बोला जोर तो लगाना ही नहीं है, तो फिर आवाज़ कैसे निकलेगी, आपकी कलाई, ये है सबसे ज़रूरी चीज़। अगर आपकी रिस्ट वर्क आ रही है, क्या है, देखिए कोई भी चीज़ अगर झटके से हो ना, लचक हो उसमें, वो जोर से हिट करती है ऑटोमेटिकली, आप जोर नहीं लगा रहे, फिर भी ये जो झटका है, ये लाउड साउंड ही देगा, क्योंकि कलाई का
काम है। तो देखिए, आपने रिस्ट को लॉक करके नहीं कभी भी बजाना है, रिस्ट आपकी बिल्कुल ढीली होनी चाहिए और रिस्ट वर्क आना चाहिए। यहाँ से आपको ये झटका देना है, पूरा जोर नहीं लगाना, पीछे तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है, तो यहाँ से झटका आएगा। ऑलराइट, रिस्ट वर्क ये आपकी आवाज़ को बढ़ा देगा, मेरी गारंटी है। अब आते हैं कुछ पैटर्न्स जो कि लाउड बजते हैं। देखिए, जब मान लीजिए ऐसा माहौल है, ज़्यादा लोग हैं, सिर्फ एक ढोलक वाला है, सिर्फ क्या करें हम, कैसे ढोलक की आवाज़ ज़्यादा आएगी। मैं खुला बेस नहीं बजाऊंगा, मैं ऐसे ही बजाऊंगा, बट देखिए कि मैं उसमें खुला बेस कैसे यूज़ करता हूँ। पहले तो यहाँ पे देखिए, खुला बेस का फ्रिक्वेंटली यूज़ करना, बट साथ में ऐसे भी बजाना जिससे कि क्वालिटी आपकी खराब ना हो। अगर पूरा ही खुला बेस बजा रहे हो तो कुछ ऐसा सुनेगा, तो ये फिर वो लेडीज टच आ गया इसमें, आपके वो जो प्रोफेशनल लेवल की प्लेइंग होती है वो नहीं रही। तो इसको खुला बेस यूज करने का, यहाँ पे थपकी ज़्यादा यूज करनी है, जैसे कि ठेका बजा रहे हैं, अब इसमें बीच बीच में थपकी लेते हैं। तो मैं नॉर्मल ठेका ही चल रहा है बट उसमें थपकी लगा रहा हूं बीच में, फिर थपकी पैटर्न्स तो बजाने ही बजाने हैं। ठीक है, तो क्विकली मैं जरा आप लोगों को एक पैटर्न बताता हूं जो कि लाउड निकलता है ऑलवेज। ये थपकी पैटर्न है, खुला बेस और यहां पे थपकी, लाउड ही सुनेगा। बोल है इसके, गे टिट तागे दिट दा टिट तागे दिट दा टिट तागे दिट दा टिट तागे दिट। बजाएंगे कैसे, शुरुआत यहां से गे टी ट। यहां आज मैं मल्टीपल कैमरा यूज नहीं कर रहा, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। गे खुला बेस, टी थपकी, ट बेस इंडेक्स, सॉरी मदीन इंडेक्स। गे ता गे, यूजुअली हम ऐसे बजाते हैं बट इसको भी खुला बजाएंगे आप। गे टिट ता गे ट, ठीक है, एंड देन धा टिट ता गे धा टिट ता गे धा को अगर हम ठेके में लगाएंगे तो आई होप ये जो मैंने पूरी टिप्स बताई आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प करने वाली है आपको। स्टिल कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में बताइएगा, डेफिनेटली फ्यूचर वीडियोस में उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।